अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शौक शिकार अच्छा चल रहा होगा मेरे भाइयों का। तो जैसा कि मैंने वादा किया था यार, मैं अपने कंप्लीट सेटअप का ऐसा ऐसा आप लोगों को वन बाय वन पार्ट्स बनाकर उसके आपको अपने जानों का शौक शुक करवाऊँगा इंशाल्लाह। वही चीज़ जो है अब आपके साथ ये चीज़ कंप्लीट करूँगा। अब सारी चीज़ों की जो है वो फाइनलाइजेशन शुरू हो रही है। हसन की जो छत पे मेरे जानवर पड़े थे, मेरा शागिर्द है वहाँ पर, वहाँ का तो शौक आप लोगों ने देख लिया। अब कुछ तैयब के घर हैं, उनका शौक मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट एक वीडियो बनेगी वो मेरी छत की बनेगी, वो जिस दिन तैयब जाएगा या कोई जाएगा तो उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह ताला वहां पर अपलोड हो जाएगी। तो ये आज पार्ट टू है, मेरे घर का सेटअप टूर है, मेरे घर के जानवरों का आपको शौक करवा रहा हूँ, कौन क्या है, कौन कैसा है, वो सारी चीज़ें कम्प्लीटली आपको दिखाता हूँ। वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं आजकल YouTube शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, तो उसके अंदर भी आप लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं शौक दिखाऊं। तो YouTube शॉर्ट्स को भी अप्रिशिएट करें, उनको भी अप्रिशिएट करें, लाजमी तौर पे उनको भी देखें, उनके ऊपर भी टाइम दें, क्योंकि उनके ऊपर अभी व्यूज़ कम आ रहे हैं। शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज़ कम है, बाकी चीज़ों के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि शॉर्ट्स को भी प्रॉपर टाइम दें, शॉर्ट्स को भी देखें, यूट्यूब शॉर्ट्स को। तो उससे मतलब ये होगा कि जो मेरे घर के जानवर हैं उनका शौक शिकार आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग अब देखें, जो तैयब ने वीडियो बनाई है वो देखें, उसको देखें, लाइक ज़रूर करें। अच्छा, इसमें से जो जानवर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा, अपनी अपनी पसंद की बात है, लेकिन जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई ये वाला जानवर बहुत पसंद आया, उसका शॉर्ट बना के मैं फिर आगे इंशाल्लाह ताला यूट्यूब में डालूंगा उसी का शॉर्ट बना के। तो इसके अलावा मैं एक सीरीज़ और शुरू करने लगा हूँ, जिसके अंदर मैं एक नंबर दूंगा जो जिसके ऊपर आप रिप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट चीज़ें भेज सकते हैं। ठीक हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ आप चीज़ें भेज सकते हैं, वहाँ पर आप रिप्लाई वहाँ नहीं करेंगे। मैं एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या होगा, आप अपने नाम के साथ, ठीक हो गया, आप अपने नाम के साथ आप मुझे वो चीज़ें भेजेंगे, मतलब अपना शौक शिकार दिखाएंगे, मैं उसका रिव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा उसमें जो कमी शमी होगी या कमी कोताही होगी या चीज़ बेहतर होने वाली है वो भी मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई दिलदारी मैं किसी की नहीं करूंगा, ना कुछ होगा, बताऊँगा ज़रूर कि भाई इसमें ये कमी है, बेहतर किया जा सकता है, मैं आपको शौक बेहतर करने की तरफ लेके जाऊंगा। चीज़ में क्या कमी है क्या नहीं है वो भी मैं अपनी समझ, जितनी की मेरी नाकस समझ है उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट या फाइनल आंसर वाला नहीं करना समझता कि भाई मेरा एक फ़ाइनल आंसर है और ये सारी चीज़ों के ऊपर जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे कहने के मुताबिक ही हैं। मेरी सोच गलत भी हो सकती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं न्यूट्रल हो के अच्छा आप लोगों को आपके शौक का रिव्यू दे सकूं। तो ये बात करनी भी ज़रूरी होती है, वीडियो बातों के बगैर नहीं बनती है, जो बात सुनता है वो कल को कामयाब होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं यार आपने शुरू के 2-2.5 मिनट बातों में लगा दिए उसके बाद शौक शुरू हुआ, लेकिन ये बातें करना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अभी नए हैं, जो बेसिक हैं, जिनको ये सारी सुनना चाहते हैं। तो जो सुनने वाले लोग हैं ना वो मुझे ज़्यादा हैं, तो जो इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार वीडियो आपने 2-2.5 मिनट के बाद शुरू की है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप 2-2.5 मिनट आगे करके डायरेक्ट शौक देख लिया करें, आपको अगर ये बातें नहीं सुननी आप ना सुने, लेकिन ये जिनके लिए काम की बातें हैं उनको ज़रूर सुनने दें। तो इंशाल्लाह आप वीडियो देखें और उसके बाद तैयब आखिर में अल्लाह हाफिज़ भी कर लेगा। आप वीडियो गौर से देखें, शौक बताएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा चैनल सबसे अच्छा लगा। ओके जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? शौक आपका उम्मीद करता हूँ बड़ा अच्छा जा रहा होगा। तो उस्ताद तो सऊदीया चले गए हुए हैं, लेकिन शौक उनका ना माशाल्लाह चल रहा है इधर ही। तो ये दिखाता हूँ आपको ब्रीडर में, ये है जवेद, इसका नाम रखा हुआ है, और साथ में जैपनीज शामो है। हाथ में पकड़ के शौक नहीं दिखा सकते, फिलहाल ये केज के अंदर माशाल्लाह ना बड़ा अच्छा शौक था। देखें ज़रा माशाल्लाह स्टैंडिंग पोजीशन चेक करें, और ये हमारे घर का ब्रीडर है, आँख का शौक कराओ ज़रा, हाथ उठना लगाओ, ठीक है, कील वगैरह इसके काटे हुए हैं और ये मादी इसके साथ छोड़ी हुई है। चल गए कभी चलाइए। हाँ जी, इसका ना मैं आपको आगे एक पट्ठा भी दिखाता हूँ, और एक इसकी एक ना पट्ठी है मेरे पास, तो पट्ठा पिछले दिनों ना मतलब
गेम के अंदर गया था, काफ़ी अच्छा। हाँ जी माशाल्लाह, ये जवेद की पट्टी है और साथ रुस्तम ब्लड लाइन की ना मादी लगी हुई थी, तो ये चेक करें। और साथ में मैं इसका भाई छोड़ता हूँ, दिखाता हूँ, जो कि आगे गेम में भी गया था और बहुत अच्छी इसकी ना गेम है माशाल्लाह। बाप इसका आपको मैंने दिखाया और मदर जो है ना वो एक्सपायर हो गई भैया, तो जवेद जो है ना माशाल्लाह कामयाब ब्रीडर है। हाँ जी, और माशाल्लाह ये ब्रीडर चेक करें, उस्ताद के पास एक लाखे कलर का ना बोल्ड नाम का मुर्गा था, तो इसका नाम बोल्ड जूनियर रखा हुआ है। तो इसकी भी एक आगे हमारे पास ना मादी, इसको लगाया था मैंने कमालिया वाली मादी के साथ, जो कि हसन ने आगे शो करवाया था, उससे फिर एक ये मादी मेरे पास बनी है। इसकी पट्टी है, मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। हाँ जी, ये जो है कमालिया वाले की पट्टी है, ठीक है ना। हाँ, ये बाप बेटी हैं, ठीक है। हाँ जी भाई जान, जो आगे मैंने मुर्गा छोड़ा था बोल्ट जूनियर, ये वाला पट्टा उसका नवासा है, और एक मादी उसकी छोड़ी थी, यानी उसके साथ जो मादी थी वो उसकी बेटी थी, और उस मादी का ये पट्टा है, तो उस बोल्ट का, बोल्ट जूनियर का ये नवासा लगा और उस मादी का ये बच्चा, और ये कमालिया वाली मादी का भी ना नवासा है। चेक करें माशा, नाम इसका लिटिल स्टार है। छोटे छोटे बच्चे दिखाए थे आपको ब्लू आइस में, ये वही है। और माशाल्लाह चेक करिए हमारी घर की, माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी पुरानी मादी है, मकोई है। इसी केज के अंदर शौक आपको दिखाया था, मकोई का, जूनी का और छोटे बच्चों का। और आगे आपने एक मुर्गा देखा है, वो भी इसी का पट्टा। और जो हीरो चेक किए वो भी इसी का ही पट्टा। और एक हमारे पास हिंट था, वो भी इसी मादी का बच्चा था। आपने हसन का माशाल्लाह शौक चेक किया था, तो आज हसन मेरी तरफ आया था, कह रहा था कि आपका शौक भी मतलब दोस्तों को चेक करवाना, चेक करें शौक, तो ये सिर्फ ना शौक के लिए हैं, तो आप चेक करें माशाल्लाह, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शौक शिकार अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट करें। अभी इसका एक और हिस्सा भी पड़ा हुआ है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हर बारी कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप लोग ये देखें। इसका एक हिस्सा और है, वो भी इंशाल्लाह कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।